गंगा जी के किनारे पर हर की पौड़ी पर इतनी साफ सुथरी धर्मशाला और सात्विक भोजन के साथ दूसरा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ मिलेगा। बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर आकर रहते थे एंड इनफैक्ट वो 15-15 दिन इस रूम में रहे हैं, तो सोचिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट, देवभूमि में आपका स्वागत है। हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए हैं हरिद्वार में रहने के, जिसमें हमने बहुत सारे धर्मशालाज और आश्रम्स आपको दिखाए, बहुत काफ़ी अच्छे थे, लेकिन डिमांड ज़्यादातर आ रही थी कि हम हर की पौड़ी के पास आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखाएं जहाँ से रिवर का एक्सेस भी इजीली हो और बिल्कुल हर की पौड़ी के आसपास हो। तो ऐसा ऑप्शन हमने आपके लिए ढूंढ लिया है, जयपुरिया धर्मशाला है ये, और आज हम आपको वही विज़िट कराने वाले हैं। क्या क्या और वहाँ पर किस तरह के रूम्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं और कितना नज़दीक है वो हर की पौड़ी के, आइए देखते हैं। तो हम हर की पौड़ी क्रॉस करते हुए बीच में जो हमने आपको मथुरापुरी वाले दिखाए थे वो वहीं से उसी हम गली से आए हैं, और ये जस्ट 500 मीटर मुझे लगा आते हुए, और यहाँ पर ये देखिए सेठ आनंदराम जयपुरिया स्मृति भवन है, यही आज आपको हम दिखाने वाले हैं। एंटर करते ही देखिए सामने कार्यालय है, चेकआउट टाइम है 12 बजे और दोपहर का भोजन यहाँ पर 12 बजे से 2:30 बजे तक है, रात्रि का 7:30 से 9 बजे तक, 2 घंटे पहले हमें बताना पड़ता है, और भोजन का कूपन यहाँ से मिलता है 170 रुपये में यहाँ लिखा हुआ, लेकिन भोजन की जो यहाँ पे स्पेशल भोजन मिलता है मारवाड़ी भोजन वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी हमने तारीफ़ सुनी है, तो हम देखते हैं आज किस तरह का भोजन है और हम भोजन करेंगे भी यहाँ पर तो टेस्ट का भी पता चल जाएगा। और जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ देखिए लिफ्ट भी है, तो सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत सुटेबल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो पैदल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट यहाँ पर है, क्योंकि रूम्स इनके यहाँ पर 3 फ्लोर्स तक हैं। यहाँ पर ये देखिए ओपन एरिया हमें मिल रहा है, प्लांट्स भी हैं कुछ, ये बहुत ज़रूरी है, थोड़े और होंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पावर बैकअप के लिए हमें यहाँ पर जनरेटर्स दिख रहे हैं जो आपको एसी का भी पावर बैकअप देते हैं, तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही हमें ऊपर कैंटीन भी दिख रही है, अगर आपको रूम में भी चाय या चाय कॉफ़ी की सर्विस चाहिए होती है तो वो आपको रूम में भी प्रोवाइड हो जाती है। तो हम आपको ये रूम दिखा रहे हैं, इसमें 3-बेडेड रूम है, रूम देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इनफैक्ट लिनन भी आपको स्पॉटलेस क्लीन मिलता है, तो ये चीज़ें हमें मुझे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि थोड़ा महंगा हो चलेगा बट अगर साफ़ सुथरा हो, एयर कंडीशन लगा हुआ है, फैन भी है, अटैच वॉशरूम के साथ है, मिरर है, टीवी है विद सेट टॉप बॉक्स, तो आपको सारी चीज़ें वो मिल रही हैं जो आपको एक होटल रूम में मिलती हैं, और वॉशरूम भी आप देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर टोटल 45 रूम्स हैं, जिसमें इनके पास डिफरेंट 4 कैटेगरीज हैं। अभी मैंने आपको एक कैटेगरी दिखाई है 3-बेडेड, ये इनका बेस कैटेगरी है जिसमें आपको 2 बेड मिलते हैं 2 लोगों के लिए, और इसका जो वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम है, इसका टैरिफ 700 रुपीज़ इन्होंने हमें बताया है। इसमें आपको टीवी मिलता है, छोटा टीवी है, और साथ में नीट एंड क्लीन रूम मिलता है, कॉमन वॉशरूम्स हैं, और साथ में यहीं से घाट का एक्सेस है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमने 3-बेडेड दिखाया है वो 1700 का है फॉर 3 पीपल। आइए अब हम आपको गंगा जी का घाट दिखाते हैं यहाँ से, और बस यहाँ से कुछ ही स्टेप्स आपको उतरने होते हैं और सीधा हम गंगा जी के घाट पर आ गए हैं। ये प्राइवेट घाट है इस धर्मशाला का,
यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अलग अलग घाट बने हुए हैं। ये एक छोटा घाट है जो लेडीज के लिए बना हुआ है और यहाँ पर स्नान किया जा सकता है। साथ ही ये कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बना हुआ है और इसी तरह से ये मेल्स के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर जेंट्स हैं स्नान कर सकते हैं। और यहीं पे शाम को मंदिर है क्योंकि इनका, तो आरती यहाँ पर होती है और साथ ही यहाँ से आपको हर की पौड़ी की आरती शाम को बहुत अच्छे से दिख जाती है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अदरवाइज़ आप यहीं पर खड़े होकर देख सकते हैं। और देखिए जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ये स्पेस भी आपको मिल जाता है यूज़ करने के लिए। और गर्मियों में क्योंकि आपको फ्रेश एयर भी चाहिए होती है तो यहाँ पर गंगा जी का घाट साथ में ही है, आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और आइए अब मैं आपको एक ऐसा रूम दिखाने वाली हूँ जहाँ पर आप जब मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर आकर रहते थे एंड इनफैक्ट वो 15-15 दिन इस रूम में रहे हैं। तो सोचिए इस रूम में, मुझे ना यहाँ पर आकर ही ऐसा फील हो रहा है, अभी भी मैं फील कर सकती हूँ कि जब वो यहाँ रहते होंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। और अच्छा लगने के जो एक वजह है वो ये है कि देखिए यहाँ से आपको पूरा गंगा जी का व्यू मिलता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ही वॉज माई फेवरेट पॉलिटिशियन। जनरली मुझे पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वॉज माई फेवरेट। 1985 से 1990 तक के बीच वो यहाँ पर हर साल आते थे और कम से कम 15 दिन यहाँ रुक कर जाते थे। तो ये रूम है और इसीलिए ये अब VIP रूम मैं से कहूँगी क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। AC रूम है ये भी और साथ में वॉशरूम यहाँ पर अंदर ही है। और आइए अब हम आपको इनका कैफेटेरिया दिखाते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। 170 रुपीज़ की जो थाली हमने आपको बताया था जिसमें आपको 2 घंटे पहले इंटीमेशन देना पड़ता है कि आपको फूड चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पर महाराज, सभी महाराज ब्राह्मण हैं और काफी समय से 98 से सर बता रहे हैं कि यहीं पर सेवा दे रहे हैं। 2 अप्रैल 1958 को आए थे यहाँ पर। अच्छा। इस पर खाना जो बनता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। जिस तरह से ये थाली अरेंज की गई है मुझे ये सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेसिकली मारवाड़ी थाली है और जिस तरह से इन्होंने इसको खाने को खाना सर्व किया है देख के ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है। और ये अलग से इन्होंने अभी छौंका अलग से दिया है देसी घी के साथ, तो दाल में देसी घी का छौंका लगते ही उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। और ये गट्टे की सब्ज़ी है जितना मुझे पता है, छोले यहाँ पर है और ये आलू सैलड प्रॉपर दही चटनी के साथ और नमक और नींबू भी साथ में दिया हुआ है। हाँ दिया, चपाती में एक अलग ही टेस्ट है। और हाँ जी मिस्सी रोटी भी है, एक ज़रूर रख दीजिए और साथ में राइस भी आएंगे अभी। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गई है, इसमें राइस भी है, मिस्सी रोटी भी है, सिंपल रोटी भी है और 3 तरह की सब्ज़ियाँ 4 तरह की सब्ज़ियाँ मिल गई हमें। तो खाने का मज़ा लेते हैं अब जी। नमस्कार जी, ये अपना जयपुरिया भवन है, सेठ आनंदराम जयपुरिया भवन के नाम से है, राम घाट पर बना हुआ, यहाँ 1970 से बना हुआ है। यहाँ के जो खाने की व्यवस्था है, लकड़ी के ऊपर खाना बनता है बगैर प्याज लहसुन के बनता है। और जैसे एक सूखी सब्जी, किल्ली सब्जी, कढ़ी, दाल, चावल, चने की रोटी, गेहूँ की रोटी, पापड़, चटनी, सलाद, ये सब रहता है। दोपहर में दही होता है, रात को खीर होता है, भरपेट खाना मिलता है। अभी 170 चल रहा है 1 पर्सन के हिसाब से, और जो खाना खिलाने वाले भी और खाने वाले भी सब अपने साथी के रहते हैं। हम लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और ना हम लोग खिलाते हैं। गंगा जी किनारे बना हुआ, आप यहाँ रुके हुए हैं वो लोग भी भोजन कर सकते हैं। दोपहर में 2 टाइम होती है, 12 से 2 बजे तक, रात को 7:30 से 9:30 बजे तक हम भोजन की सेवा देते हैं। 2 घंटे पहले हम अगर ऑर्डर देना पड़ता है खाने के लिए तो कोई भी आदमी आप आ सकते हैं और यहाँ भोजन ग्रहण करके देखिए, आपको बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया लगेगा। सर आए हैं गुजरात से और सर ने हमें पहचाना, हमारे चैनल का नाम हमसे पूछा उन्होंने, लेकिन क्योंकि याद नहीं था, OTI एक्सपर्ट, थोड़ा सा नाम मुझे भी कई बार लगता है कि एकदम से याद नहीं होता क्योंकि लोगों को, इसलिए सर ने पूछा तो सर पहचान गए हमें। और यहाँ पर सर आप कहाँ रह रहे हैं?
मैंने यहाँ पास में ही एक धर्मशाला है उसमें मैं रुका हुआ हूँ जी। और मैंने आपका चैनल देखा, ये घूमने के स्थान के बारे में और कभी देखते हैं तो आपका चैनल देखा, तो आपको देखा तो मैंने पहचान लिया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर आप यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए आए, क्योंकि मैं यहाँ मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी तो उनके लिए आए थे, तो यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए। ये जयपुरिया जो ये धर्मशाला है भोजन का है, ये अच्छा है, एकदम शुद्ध सात्विक और एकदम अपन खाएं तो बहुत ही बढ़िया भोजन है, तो यहीं पे उन ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए आज मैं आया हूँ। और ये अब हम दिखा रहे हैं आपको 4 बेडेड रूम, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें 4 लोग रह सकते हैं। एयर कंडीशन है, टीवी है, सारी एमिनिटीज आपको दिखेंगी विद अटैच वॉशरूम। चार लोगों के लिए इसका टैरिफ 2000 रुपीज़ है, तो पर पर्सन अगर आप डिवाइड करेंगे तो 500 रुपीज़ बनता है, विच इज़ एक्चुअली गुड। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉमन वॉशरूम्स में मुझे दिख रहे हैं, और इस तरह से हर फ्लोर पर आपको मिलेंगे। तो कुछ रूम्स जो इनके नॉन एसी रूम्स हैं जिनके साथ अटैच वॉशरूम्स नहीं है इसीलिए उनका टैरिफ भी कम है, उनके लिए ये इस तरह से अलग से वॉशरूम्स बने हुए हैं। लेकिन आप अगर नीट एंड क्लीन की मैं बात करूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा प्राइस आपको हायर साइड लगे, लेकिन क्लीनलीनेस को लेकर आई एम 100% श्योर कि आपको हर रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये यहाँ का मंदिर रूम है, मुझे एक्चुअली लगा और मैंने सर से पूछा कि यहाँ पर ये मुझे बेड की तरह दिख रहा है, तो सर ने मुझे बताया कि ये एक्चुअली बेड ही है। ये माँ आनंदी मैया का मंदिर है जो कनखल में है, दक्ष मंदिर के पास में। हाँ जी, हाँ जी। उनकी गुरु माँ थी माँ मुक्तानंद गिरी, उनका शरीर यही छोटा था। अच्छा, इसीलिए ये बेड उन्हीं का है, ये इसी बेड पर आराम करते थे, यही शरीर छूट गया तो उस दिन के बाद उसी बेड को मंदिर बना दिया गया। ये रूम 8 नंबर रूम था, वही है गंगा जी किनारा, इधर से घाट दिखता है, यहाँ पे वो स्टे करते थे, तो उसके बाद वो मंदिर बना दिया गया। वहाँ कनखल से भी मंदिर के दर्शन करने आते हैं लोग काफी। सर हम ज़्यादातर देखते हैं जिस तरह से धर्मशालाओं में, एक तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि हर जगह होती हैं, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी होंगी, एक तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सिंगल पर्सन मेल या फीमेल यहाँ पर आकर रह सकते हैं या नहीं? नहीं, सिंगल पर्सन को नहीं रह सकते अपने यहाँ। अच्छा, वही मतलब सेम हाँ, है कि जिस तरह से और जगहों पर भी नहीं रह सकते हैं, उनके कुछ दिक्कत हो जाती है जैसे स्वास्थ्य के लिए, तो मेडिकल के लिए एक आदमी उनके साथ होना चाहिए, चाहे सर्वेंट हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो। अच्छा, कई बार ऐसे हुआ पहले सिंगल पर्सन यहाँ रहते थे तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना, फिर वहाँ रहना, बाई चांस कुछ हो जाए उनके, उनके परिवार वाले पीछे कहते हमारे आदमी क्या होगा। पर अगर ज्यादा एज नहीं है, स्वस्थ है और वो 2-4 दिन आकर यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ कहना मुश्किल है स्वास्थ्य में, तो इसके क्या हो जाए, एज के हिसाब से तो कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, क्या भी हो जाता है ना, सुसाइड के लिए सिंगल आदमी कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए भय रहता है सर। अच्छा। तो वैसे मैम हम नहीं चाहते कि सिंगल आदमी कोई लेडीज या जेंट्स कोई भी आए, परिवार के साथ आए या कम से कम दो मेंबर तो रहे। इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर टाइमिंग्स को लेकर? टाइम जैसे सुबह हम लोग 5:30 से रात को 10:30 तक रहते हैं ओपन। अच्छा। और कोई तरह का नशा पता यहाँ अल्कोहल का कुछ प्रयोग में नहीं होता है। एक बार इसका लोकेशन आप भी समझा दीजिए, क्योंकि मुझे तो ये सब एक जैसा लगता है गोल गोल, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार में रास्ते थोड़े से ऐसे ही है। ये संस्था सेठ आनंदराम जयपुरिया स्मृति भवन के नाम से बनी हुई है जी। इस जगह को रामघाट बोलते हैं। हाँ जी। ये हरिद्वार की पिक जगह है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बाहर पार्किंग बनी हुई है जिसको रामलीला पार्किंग है। एक पीछे पार्किंग है जी, उधर सामने पंडित दीनदयाल पार्किंग बनी हुई है जी, और इधर पास में ही है रामलीला पार्किंग बनी हुई है। ये रामलीला पार्किंग 500 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। हाँ जी। और जो दीनदयाल पार्किंग है वो मान लीजिए 1000 मीटर की दूरी पे बनी हुई है। हाँ, हमें तो 5 मिनट ही लगे, हम इधर से ही आए थे, क्योंकि आप पुराने जानकार है तो तुरंत आ जाते हैं, नए आदमी के लिए दिक्कत हो जाएगी वहाँ से आने में, फिर मार्केट से रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा इधर से। अच्छा। और पास वाली पार्किंग से रिक्शा मिल जाता तो सामान वगैरह लेना दिक्कत नहीं होती। हाँ, क्योंकि लगेज वगैरह है तो लगेज वो रिक्शे में दिक्कत नहीं होती है। और सर ने हमें बताया है, देखिए ये कार्ड दिया है जिसमें आप प्री बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं, नंबर है, नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर देंगे, सेठ आनंदराम जयपुर जयपुरिया स्मृति भवन, ये आप नाम देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी डिटेल मिलेंगी, तो आप फ़ोन करके प्री बुक भी कर सकते हैं।
साथ ही ऐसा नहीं है कि ये जयपुरिया धर्मशाला सिर्फ आपको यहाँ हर की पौड़ी पर मिलती है हरिद्वार में, इनके और भी सर ने हमें बताए हैं। सर आप प्लीज़ बताइए कहाँ कहाँ पर है ये। एक वृंदावन बनी हुई है बिहारी जी के मंदिर के पास में। अच्छा, इसी नाम से वृंदावन जाएंगे तो यहाँ इनकी धर्मशाला जरूर आपको दिखाएंगे। सेठ आनंदराम जयपुरिया भवन के नाम से है, वहाँ भी एक चित्रकूट बनी हुई है, वहाँ भी वही है, मातुश्री जयदेवी आनंदराम जयपुरिया भवन के नाम से है, जो कार्ड पे एड्रेस है हमारा। जी, जी, जी। एक बनारस में बनी है, बाबा विश्वनाथ वाली गली में, गोदौलिया बोलते हैं, वहाँ पे बनी हुई है। एक विंध्याचल में बनी हुई है, वो भी जयपुरिया भवन के नाम से। चारों ही एड्रेसेस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और आज हम खाने वाले हैं ब्लैक गुलाब जामुन। अब हर की पौड़ी पे आए और गुलाब जामुन ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है। पर आज हम क्योंकि ना तो मथुरा वाले खा रहे हैं, ये भी मथुरा वाले हैं एक्चुअली, वो वाले नहीं है लेकिन, और मोहनपुरी के तो हम हमेशा खाते ही हैं। इसका टेस्ट अलग है। और समोसा मुझे यहाँ दिख रहा है, इतना बड़ा समोसा, तीन लोगों के लिए एक समोसा काफ़ी है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, वो अच्छा है। तो देखिए मुझे लगता है कि आज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमने आपको दिखाया है। अगर आप हर की पौड़ी के पास कोई नीट एंड क्लीन ऑप्शन लेना चाहते हैं अकोमोडेशन का, और सात्विक भोजन अगर आप खाना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और गंगा जी का तो अपना महत्व है ही। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें। थैंक यू।